हेलो दोस्तों, दासुबीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन की बहुत ही प्यारी सी रेसिपी, जिसके लिए मैंने यहाँ बैंगन लिया है। बैंगन के डंठल को काट करके निकाल लेना है और इसे बीच से दो भाग में काट लेना है। फिर इसके जो अंदर का पार्ट है उसमें इस तरह से चाकू से चीरा लगा देना है और इसके छिलके को कट नहीं करना है। देखिए, इस तरह से खोल के आप देख लीजिए कि कहीं सड़ा गला तो नहीं है। अच्छी तरह से देख के काटिएगा। सभी को काट के मैंने कटोरे में रख लिया है और इसे साफ़ पानी से अच्छी तरह से धुल लेना है। फिर एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल डाला है। तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे और बैंगन को उसमें निकाल करके उल्टा रखते जाएंगे। इस तरह से रख देना है और इसे 4 से 5 मिनट धीमी आंच में पकने देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, बैंगन एक साइड से अच्छी तरह से तला चुका है। तब तक हम मसाला बनाते हैं। एक कटोरे में नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और आमचूर पाउडर डाल के इसे मिला लेते हैं। इसका मसाला तैयार हो चुका है। तो देखिए, दोनों ही साइड से हमें बैंगन को तलना, एक साइड से तला चुका है। अब इसे पलट लेते हैं और इस साइड से भी तल लेते हैं। 4 से 5 मिनट भी इसे इसी साइड से तलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट हो गया और अच्छी तरह से पक चुका है बैंगन। तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे और 2 से 3 मिनट बस इसे ठंडा होने देंगे। देखिए, हल्का ठंडा हो चुका है। अब इसमें जो हम काट के चीरा लगाए थे चाकू से, उसमें सभी में मसाले भर लेते हैं। इस तरह से मसाले भर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में, कम तेल में भी बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। देखिए, सभी में मसाले भर, और उसी कढ़ाई में वापस बिना तेल डाले हमें बैंगन को पलट करके रख देना है और 3 से 4 मिनट इसे धीमी आंच में और पकने देना है, ताकि सभी मसाले अच्छी तरह से पिघल जाएं और बैंगन में अच्छे से लग जाएं। तो देखिए, बन करके तैयार है बैंगन की ये रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे दाल चावल के साथ खाइए या पराठे के साथ, बहुत ही बढ़िया लगती है। मज़ा आ गया, मैं एक बार और बनाऊँगी और खाऊँगी। धन्यवाद।